पट से हेडशॉट। अरे भाई साहब गोलियां देख रहे हैं, कैसी गोली से बचा भी मैं। अरे भाई साहब भी पत्थर ने तो जान बचा ली दो तीन बार। ये पत्थर नहीं, ये देवता है भाई, देवता के रूप में। ये सामने पूरी कॉलोनी है भाई साहब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि नेथन ड्रेक की वाइफ जिसका नाम है एलिना फिशर, वो नेथन ड्रेक के पास आ गई थी। उसको पता चल चुका था कि नेथन ड्रेक जो कि मिलिशिया जॉब के बहाने से घर से 4 हफ्ते तक नहीं है, वो एक्चुअली सैम ड्रेक और सुलेमन के साथ मिलकर एवरी का खजाना ढूंढ रहा। ये बात जैसे एलिना को पता चली वो सीधा नेथन ड्रेक के पास आ गई, और उसके बाद जो ड्रामे स्टार्ट हुए उसकी तो बात ही अलग है। अगर आप लोग एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना तो वो आपको परिवारिक संबंधित लड़ाई देख सकते हैं, जिस तरह के ड्रामे एलिना ने किए थे, जो कि हर महिला इस दुनिया की करती है, वही एलिना ने काम किया और अपनी महिला प्रजाति का सम्मान किया। उसके बाद एलिना ने आंसू बहाए और वहां से चली गई, और ये देखने के बाद हमारे नेथन ड्रेक का दिमाग पूरा खराब हो गया। लेकिन वो अपने स्टिक टू द वर्ड है, अपने भाई की जान बचाना चाहता है एक्टर हल्जारिया से, तो उसने बोला कि अभी ये मिशन खत्म नहीं हुआ है, तो मिशन जब खत्म होगा उसके बाद हम जाएंगे अपनी एलिना के पास। लेकिन अब एलिना जा चुकी है अपने घर, और उसके बाद सुलेवन थोड़ा सा चटक गया, तो उसने बोला कि तुम्हें अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए, वो तुमसे मिलने आई है, पर यहां पर अभी जरूरी है खजाना ढूंढना, अपने भाई की जान बचाना, क्योंकि ये गेम है सम्मान का, प्रतिष्ठा का और एक अनुशासन का। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप लोग का स्वागत है चर्सी पांडा यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में, जहां हम लोग खेल रहे हैं अनचार्टेड 4 का 13वां एपिसोड, और आज हम लोग ढूंढेंगे पायरेट्स की छुपी हुई लिबर्टालिया कॉलोनी को। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था, सैम और नेथन ड्रेक डिस्कस कर रहे थे कि एवरी के टाइम में एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कॉलोनी बनी जहां पे सब पायरेट्स अपना खजाना रखते थे, वहीं रहते थे, वहीं अपना जीवन यापन करते थे। तो उसके बाद वो कॉलोनी खो गई, अब उनको कुछ मिला है, कुछ क्लू मिले हैं, कुछ नक्शे मिले हैं दोनों भाइयों को, तो उसके बाद वो दोनों जा रहे हैं लिबर्टालिया की खोज में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर लिया था, और आज के एपिसोड में हम उस रास्ते को पूरा करेंगे, जो काम छोड़ा था मर्दों की तरह पूरा करेंगे। तो बने रहिए इस गेम प्ले वीडियो में, क्योंकि ये गेम बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लेट्स गो। पहले अपना ध्वनि यंत्र पहन लेता हूँ, तो ध्वनि यंत्र मैं आधा ही पहनता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, अगर पूरा पहन लेता हूँ तो पूरे शरीर में पसीना पसीना ही छो जाता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओ भैया, देखते हैं कि लिबर्टालिया तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे लिबर्टालिया छुपी हुई है, जो हम लोग को मिल ही नहीं रही है इतने दिनों से। लेट्स गो। लास्ट एपिसोड में बिल्कुल भी फाइट नहीं हुई, जिसका मेरे व्यूज पे काफी गंदा असर पड़ा है। लास्ट वीडियो में ज्यादा व्यूज आए ही नहीं, पर ठीक है, लोगों को लड़ाई मार डंडे पसंद है, वो हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि ये गेम ही पूरा मार धार से भरा पड़ा है। अगर आज मेरा अंधकार में है तो कल उजाला जरूर आएगा। अरे भाई हिंट क्यों दे रहे हो भाई, हिंट हम तो चल पड़े थे, हिंट अभी मत दो। अरे भैया, अरे भाई साहब, मुझे लगा कि नीचे कूद जाएगा क्या एक बार भाई मेरे। ओ भाई दो रास्ता है, एक यहाँ से एक वहां से, यहाँ तो अपनी बोट है। ओके, तो अभी हमने लास्ट एपिसोड में गेट खोल दिया था, तो अब हमें बोट लेके आगे बढ़ना है, और उस गेट के थ्रू हम लोग को आगे जाना है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स सी, बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो थोड़ा स्लो जरूर है पर मजेदार पूरा है। अरे भाई सैम भाई आए कि नहीं आए, सैम तो पता नहीं कहां से चले जाते हैं, जैसे बोट में बैठो सैम। राइट, ओके ठीक है, तो राइट में एवरी का स्टैचू खुला था, जो हमने देखा था इस पहाड़ी पे था शायद, मेरे ख्याल से आई थिंक सो, वो है, देखो वहीं चलना है। ठीक है, तो आप भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एवरी की स्टैचू के पास जो हमें सामने है, वहां पे कोई क्लू मिलता है कि नहीं मिलता है, कि हमारा जस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा। सम्मान और प्रतिष्ठा की कहानी में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, गेम हम लोगों ने ऑलमोस्ट 55% कंप्लीट कर लिया है, और अब देखना है कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। फिलहाल चैलेंजेस छोड़िए, एक ड्रॉइंग बनाते हैं, जो कि मुझे करना बहुत ज्यादा पसंद है, हम ड्रॉइंग बहुत अच्छा करते हैं, और एक याद के तौर पे, एक सबूत के तौर पे हम इसे हमेशा अपने पास रख लेते हैं,
और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ तो तूफान आ चुका है भाई, तूफान आ चुका, कहीं हम तूफान के प्रकोप में फंस ना जाए, उससे पहले ही हम लोग चाहेंगे कि हमें कुछ हासिल हो जाए। ऑलराइट तो हर बार हम लोग पुश करते थे, इस बार सैम ने बड़प्पन दिखाया जो कि वो है ही। अब चलना, देखते हैं कि इससे क्या दिखता है। तो सामने हमें दिख रहा है एक आइलैंड जहां पे मोस्ट प्रोबेबली हमें खजाना मिल सकता है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हम लोग को शायद खजाना मिल जाए, और लिबर्टालिया की जो कॉलोनी है वो भी वहीं पे होगी, ठीक है? Get excited when we get Alcazar's noose off your neck. One. Okay. What? I said okay. No. Your okays are never just okay. It usually means the opposite of okay. जिसकी हमें शंका थी और वो ही हुआ, नेडिन की पूरी सेना आ चुकी है पीछे से, और अब यहाँ पे हंगामा होने वाला है दोस्तों। लास्ट एपिसोड में आप लोग मिस कर रहे थे फाइट को, तो आज हम लोग फाइट देखेंगे और धमाकेदार देखेंगे, हम मर्दों की तरह लड़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और जहाँ से हमने ये गेम स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, वहीं हम लोग आ चुके हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। इस सीन से मेरी काफी यादें जुड़ी है, ये सीन मैंने छत के ऊपर बैठ के वीडियो बनाए थे धूप में, और आज हम लोग गेम के काफी आगे आ चुके हैं, जहां पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की सब कुछ आन पे रहे, और अब है खजाने ढूंढने की बारी। लेट्स सी, मुझे अपनी पुरानी यादें ताजा हो रही है, क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट हुआ था उस टाइम, एक्चुअली मैंने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर दिया था, पर आफ्टर दिस अनचार्टेड 4 मेरा यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इंटरेस्ट बन गया, और ये वीडियो मेरा पहला था, ना कि ये वीडियो, ये स्टोरी पहली थी जो मैंने अपनी छत की धूप में बैठ के बनाई थी, मुझे अभी भी याद है। तो ठीक है, टाइम बहुत अच्छा था वो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और अब बात कुछ और है, कहानी कुछ और है, और फिलहाल अभी हमारा एक्सीडेंट हो गया हमारी शिप का, हमारी क्रू का, और अभी हमारा भाई सैम ड्रेक लापता है, पता नहीं कहाँ गिर गया है, और इतनी बारिश हो रही है कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो इतनी बारिश में जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, और चलने में बहुत दिक्कत होती है, जूते गीले हो जाते हैं, शर्ट पैंट जीन्स जो भी सामान है वो सब गीले होकर वेटेड हो जाता है, और वही अभी हमारे नेथन के साथ हो रहा है, और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, और पता भी नहीं कहाँ जाना है। लेट्स सी, ठीक है, तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? सैम को ढूंढना है फिलहाल, तो अब हमें यहाँ जाने का मतलब नहीं होगा, यहाँ पानी है। लेट्स सी, यहाँ चलते हैं, यहाँ से कोई रास्ता हो सकती है शायद, दौड़ भी नहीं रहा, तो ये धीमे धीमे निकलना पड़ेगा। ओ भाई, ओ शिट, ओके, तो शायद हमें ऊपर चढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छे खासे हम लोग कॉलोनी ढूंढने निकले थे, ये नेडिन की जो सेना है ना, उसने पूरा दिमाग खराब किया है बार बार में, जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा होता है नेडिन अपनी सेना ले को भेज देती है वो काम बिगाड़ करने के लिए। खैर, सैम को तो हम ढूंढ लेते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे क्या होना है। ऑलराइट भाई, पानी इतना बरस चुका है कि पूरी चट्टान गीली हो चुकी है, तो बहुत डर है स्लिप होने का, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ कि नीचे ना गिर जाऊं। यहाँ कुछ बात है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई बॉक्स मिला है और उसमें कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, यहाँ से कोई रास्ता, ठीक है,
समुद्र से उतर के तैर के जाना से अच्छा हम लोग जंगलों के बीच से निकलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। यहाँ से रास्ता तो है चढ़ने की, यहाँ देख लेते हैं पहले। यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे। ओके ओ भाई साहब, बेचारी की हालत वैसे ही खराब है, ऊपर से हम लोग इतना कूदना पानना पड़ रहा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं दोस्तों, कोई नहीं, हम लोग ढूंढ के रहेंगे अपने भाई को। ओ भाई साहब, ओ शिट 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 ओ शिट, बच गए। कोई नहीं, भाई पैर स्लिप हो रहे हैं, मैंने बोला था आपसे पैर स्लिप होंगे, तो चट्टान गीली हो चुकी, देखो पूरी यहाँ पे स्लिपरी हो गया पूरा माउंटेन। ओके तो हम लोग किसी तरह इस पहाड़ को चढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गीला था ये पहाड़, चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम लोग चढ़ चुके, चढ़ गए किसी तरह। और अभी हमारे सैम अभी तक हमें मिला नहीं है, ये सैम बार बार खो जाता है इस गेम में यार। ओके अभी हम लोग को पैर का यूज नहीं करना, क्योंकि पैर हम लोग जैसे रख रहे हैं ना वैसे ही हम लोग की हालत पस्ता हो जा रही है। ओ भाई, ओहो भाई, तो पानी इतना बरस रहा है ऊपर से ये चट्टान। ओ भाई साहब, ये तो पानी ऊपर से झरने के पास ही आने के था। ओके ओ भाई, क्या बकचोदी है। ओ शिट, मुझे लगा मैं मर गया भाई, मुझे लगा वो मर गया, लेकिन थैंक गॉड नीचे ही था, अगर पता होता तो मैं खुद ही कूद जाता है, इतनी फालतू की मेहनत कर रहा था वहां पे खड़े होके। लेकिन खैर, जो लिखा है किस्मत में वही होने वाला है, वही हुआ हमारे साथ। आप देखते हैं कहानी, अभी बात करते हैं, रुकिए। Okay. Sick Parvis Magna. Sam. Okay, तो अगर आप लोग ने ये गेम स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, जब सैम और नेथन ड्रेक, जब नेथन ड्रेक एक्चुअली जब ऑर्फनेज में था और जब सैम उससे मिलने आता था तो इसी तरह की लाइट का इशारा करता था, तो आज सेम वही कहानी हुई है। देखते हैं हमारा भाई वहां पर है कि नहीं, उसको खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। Let's see. ओ भाई, यहां तो नहीं जा सकते ना। हाँ ठीक है भाई, समझ गया। क्या ये 10 बार बताओगे क्या? यहाँ सामने है ना, लेट्स सी। ओ भाई, पानी जी को अच्छा हुआ पानी चला गया भाई, नहीं चढ़ने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। अभी देखो हमारा चीता चढ़ रहा है, देखो ये देखो कितनी स्पीड में चढ़ रहा है भाई साहब। उस टाइम देख रहे थे आप, पैर इतने फिसल रहे थे भाई के, कि यहाँ पे कोई क्लू है। लेट्स सी क्या है भाई, ले लिया। अंगूठी मिली है दोस्तों, अंगूठी, बहुत ही प्यारी अंगूठी है बाबा। खैर, अपने भाई को भी हमें ढूंढना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है लिबर्टालिया कॉलोनी ढूंढने के लिए। पहली बात तो हम लोग अभी निकले थे ढूंढने के लिए, अब देखिए एकदम से मिशन ही बदल गया, अभी हम लोग सैम को ढूंढने लगे हैं। देख रहे हो आप इस गेम में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और हम लोग को बार बार उसको पार करना पड़ता है। All right. ओ भाई,
मुझे लगा कि वहां नीचे नदी है, मैं तुरंत चढ़ गया था। अभी तक का ये सबसे बेहतरीन गेम लगा मुझे अनचार्टेड, जरूर ये पुराना गेम है। तो अभी हमें इस पहाड़ पे चढ़ जाते हैं एक बार, फिर आप लोग से बात करूंगा। ओ भाई ऑलराइट, तो अभी हम इस पहाड़ पे आ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सैम ने हमें लाइट दिखाई, तो पता नहीं सैम ही था कि कोई और था, कुछ भी हो सकता है। ओ भाई, ओबे ओबे, ओ भाई साहब क्या कर रहे हो भाई? अभी जाता है नीचे, और नीचे देख रहे हो चट्टान पड़ी हुई है पूरी, अगर जाता तो बिल्कुल खत्म थी इसकी कहानी। कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, बच गए फिलहाल तो। ओ भाई कौआ था, कौए के बच्चे भी थे क्या बेचारे? अच्छे खासे वहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोगों ने उनकी जीवन को जीवता का भंग कर दिया, उनके घर को भी तोड़ दिया शायद हम लोगों ने। भाई ये बाहुबली का यहीं से सीन चोरी हुआ था। ये ला देखो नीचे आना, ये ला, ये दूर कैसे आएगा इसका कैंगल? बाहुबली का ऐसे सीन को चोरी किया गया इन लोगों ने, बाहुबली वालों ने, कि बाहुबली का आइडिया इन लोगों ने चोरी किया। पर ये गेम तो पहले आया था, पर ये नॉर्मल सा है, तो कोई चोरी चपाटी की बात। और देखते हैं कि लिबर्टालिया सिटी कहाँ है। सैम ने यहीं से, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नेडिन की पूरी सेना आ गई सामने, देख रहे हो आप? रेफ रेफ नेडिन भाई, ये लोग तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं ये लोग। जल्दी से हम लोग को सैम को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ओके 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 ओ भाई ओ भाई, स्लिप हो रही थी वो भी, बच गया। क्या आई डिडंट एक्सपेक्टेड। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे रास्ता होगा। ओके तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं सैम को, सैम अभी पता नहीं कहाँ पर चल, आफ्टर क्रैशिंग पता नहीं कहाँ चला गया वो, उसे ढूंढने वाला टाइम लग रहा है। लेट्स सी वो मिल जाए तो हम लोग सीधा अपने टारगेट जो कि हमारे बटालिया कॉलोनी को ढूंढने का है उसको ढूंढेंगे, और देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है। ओ भाई साहब, भाई आप लोग नज़ारे देख रहे हो यहाँ के? भाई क्या सही ग्राफिक्स बनाए इस गेम के। नॉटी डॉग्स को मेरा एक सलाम है इतने अच्छे गेम बनाने के लिए, धन्यवाद, इतना बढ़िया गेम बनाया जो कि हम लोग इतना एंजॉय किए इस गेम को। देखते हैं कि आगे का रास्ता कहां से है, और चलते हैं एक अनजाने सफर की ओर। यार जितना तो मेरे को क्लू ढूंढने टाइम लगता था, तो इस सैम को ढूंढने टाइम लग जाता है। ऐसे ही इसने लास्ट टू लास्ट एपिसोड में भी चला गया था, कुछ लेने गया था गायब भी हो गया था, और अभी तो भाई पता नहीं कहाँ चला गया। लेट्स सी, जल्दी मिले सैम तो आगे जल्दी ढूंढने चले हैं लिबर्टारिया को, नहीं तो इनके ढूंढने में पूरा टाइम निकल जाएगा, और हमें जितनी जल्दी हो सके इसके मिशंस कंप्लीट करने हैं। लेट्स सी हो पाते कि नहीं हो पाते। ओ भाई एक ओ पायरेट यहाँ पे शहीद हो चुका है, उल्टे लटके हुए ये, इन चचा का कट गया था, ये आए थे खजाने ढूंढने और ट्रैप में फंस गए। भाई साहब उल्टे लटके हुए, पता नहीं कब से लटका हुआ है, इसको नीचे उतार देंगे। चलो इसको नीचे उतार देते हैं। ऑलराइट देखा, मैंने बोला था स्कूटी का इस्तेमाल होने वाला है, इसको निकाल लेते हैं। निकल 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 भाई, ओ ओ ओके तो उसकी मदद काफी होने वाली है। या इट्स वर्किंग बट तो ठीक है, हम ऊपर चढ़ चुके हैं, अभी अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ कुछ है क्या? यहाँ से कुछ, हाँ कूद सकते हैं, सामने जगह तो है।
भाई यहाँ पे मधुमक्खी इतनी सारी है ना कि कान वन में घुस गई अभी अपने, तो अपने तो लग जाएंगे। जल्दी से भागते हैं यहाँ से इससे पहले कि मधुमक्खी खेल कर दें। ओह शिट, रुको भाई रुको। आप लोग बोल रहे थे लास्ट एपिसोड में लड़ाई होगी, अब देख लो लड़ाई। दो सामने हमारे और हमारे पास गन नहीं है पहली बात तो, ये आप लोग को बता दो अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है तो आप लोग को बिना गन से मारना है तो भाई ये दो लोग हैं, अपन अकेले हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को छुपन छुपाई खेलनी पड़ेगी इनके साथ और इनको दबोच लेंगे अपन। इसको यहीं से निकाल लेते हैं। ओ भाई देख ले अब तो गन ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छुपा हुआ है, लैट लोड कर लेते हैं पहले दोस्तों, लोड कर लेते हैं नहीं तो अभी लोडिंग टाइम लग जाएगा, गोली हिल जाएगी। बहुत बढ़िया, गन उठा लो जल्दी शॉट, लोड कर लेते हैं पहले। ग्रेनेड भी आ गया मेरे पास, ठीक है। दो लोग हैं वहाँ पे, सामने दो लोग हैं भाई। रुको, बिल्कुल शांत रहो आप लोग, मैं लोग को देख लेता हूँ फिर हम लोग बात करेंगे। ओके तो टेंशन वाली बात नहीं है, दो मिनट शांति दो मेरे को, इनको निपटा लें दो मेरे को, ठीक है। यहाँ से तो शायद खत्म हो गए क्या, गोलियां तो चल रही कहीं पे। ओ भाई देख ले ये है भाई सामने ही है। ओके तो हमें काफी गोली पड़ चुकी है लेकिन हम रिकवर कर जाएंगे। ये आओ भाई आओ, जल्दी आओ सामने से, जल्दी आओ ब्रो, निकल। अरे यार लो गली। ओ भाई और कोई भी मार रहा। अरे शिट। वो भाई साहब कैसे भाग रहे, वो भाई किस तरह भाग, कैसे तरह भाग का है। गन लोड कर लें तो बहुत सारे लोग हैं आगे। ऑलराइट एक को तो निपटा दिया हम लोगों ने, भाई किस तरह भागे हैं जो हम लोग जान बचा के, नहीं तो अभी मारे जाते वहां पे। पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, इसका मतलब ये था खून खत्म हो गया था हमारा। ओ भाई कितने सारे लोग हैं यार, चढ़ने भी नहीं दे रहे, तो यहाँ छुप ही जाते हैं पहले तो। ऊपर सारी गोली, ठीक है ऊपर वाला तो गया। यहाँ पे गोली थी, उसको पहले उठा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या पता गोली की जरूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे नेडीन के, और नेडीन ने तो अपनी पूरी सेना को ऐसा फैला रखा है ना जिसका कोई तोड़ नहीं है। भाई ये क्या है FAL, ये शायद स्नाइपर की तरह काम करेगी, नहीं वो नहीं है, अपनी AK-47 ही ठीक है इन लोग को पछाड़ने में। यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई और ना हो। तो आप लोग लड़ाई की बात कर रहे थे, देख लीजिए लड़ाई तो यहाँ पे हो रही है, अभी फुल फ्लैश लड़ाई नहीं हो रही है, अभी क्या है कि रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो वहाँ पे जो सैनिक होंगे, जो बटालियन फैली हुई है उनसे हम लोग लड़ रहे हैं अभी फिलहाल में, और जो लास्ट फाइट होगी मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा दहशत वाली होगी। उसमें आप लोग सिर्फ लड़ाई ही देखोगे, फिर आप लोग बोलोगे कि स्टोरी कहाँ है। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे दोस्तों, वो भी दो लोग हैं, रुक जाओ यहीं छुपे रहते हैं, इसने इसने देखा नहीं है, जैसे ही मुड़ेगा वैसे अटैक करेंगे इसके ऊपर। तीन लोग हैं निपटा नहीं होगा गन से, कि स्लो चल के देखते हैं एक बार। चलो अच्छा हुआ उससे पहले कि लोगों को पता चलता। पट से हेडशॉट, खोपड़ी उसकी खोपड़ी पट गई होगी भाई, खून नहीं निकला, खून जरूर लोहे की खोपड़ी होगी, लेकिन जो उसने दिया ना बाबा। अरे 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 भाई तुम कहाँ चल दिए, अरे पगला गया हो क्या बिल्कुल से,
नीचे क्यों भाग गए भाई? अच्छी परफॉर्मेंस दी, अभी दो लोग को निपटा दियो बिना गोली के, तो दिक्कत क्या है दोस्त? अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो और आप लोग का ये पहला वीडियो है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना और बताना कि आप लोगों को और कौन सी गेम देखने हैं। इस तरह हम लोग चलसी पांडा यूट्यूब चैनल पे और सारे गेम डालेंगे और खूब मस्ती करेंगे, खूब धमाल मचाएंगे और आप लोग के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे और स्टोरी मैं ऐसे सुनाता रहूंगा आप लोग की डिमांड पे और मेरी कुछ डिमांड, मेरी भी डिमांड से, क्योंकि मेरे को भी गेम्स खेलना है भाई। अरे 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 भैया, बच गया भाई वो तो। अरे अरे कौन देख रहा? अब नहीं हो सकता कुछ, लेट कर दिया हमने। अरे भाई कहाँ छुप रहे हो, कहाँ छुप रहे हो भाई? अरे भाई तो गोलियां देख रहे, कैसी गोली से बचा भी मैं। अरे भाई साहब ये पत्थर ने तो जान बचा ली दो तीन बार। ये पत्थर नहीं, ये देवता है भाई, देवता के रूप में ये पत्थर ने वही जान बची कम से दो बार। अरे अरे बम, अरे कहां नचे रहा भैया? ये सामने है, दो सामने है। अरे भाई साहब अबे उतरो यहां से भाई। भाई साहब क्या बचाऊं वहां पे, मैं वहां पे क्या बचाऊं, बम खड़ा हूं मैं, सीधा स्लाइड कर गया, मजा आ गया वाला सीन में। ब्लैक एंड व्हाइट जरूर हो गया था, मैं हेल्थ बहुत कम हो गई थी क्योंकि, और गोलियां तो खत्म हो गई अपनी, तो जल्दी से गोलियां उठा लेते हैं। अभी और भी लोग हैं ब्रो। ओ बॉय, इतनी सारी मधुमक्खियां, इतने सारे नेडिन के सिपाही, और भाई पता नहीं कहां गए भाई। चलो स्नाइपर मिल गई अपन को, अब आएगा मजा, एक एक पे निपटाऊंगा। स्नाइपर का खेल बहुत तगड़ा होता है। कोई है कोई आसपास है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को आवाज आई थी किसी की, तो कोई तो था यार, आवाज आई थी मेरे को। चलो ठीक है, अभी देखते हैं आगे बढ़ते हैं, कोई होगा तो देखा जाएगा उसको भी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। वो भाई वहां पे बंदा है, एक को भी नहीं छोड़ेगा अपुन यहां पे, अपन जंगल का बादशाह है, क्या बोलती पब्लिक। भाई स्नाइपर होती ना हाथ में तो अलग ही रौला होता है मेरा, क्योंकि एक स्नाइपर की एक गोली में। ओके तो फिलहाल अभी हम लोग जंगल के अंदर हैं और पता नहीं है जाना कहां है, देखते हैं कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा ही। भाई ये कौन है, ड्राइंग बना लेते हैं इसकी भी, बाद में देखा जाएगा। कुछ लेटर तो है, इसको रख लेते हैं, बाद में पढ़ने के काम आएगा, इससे कुछ क्लू भी मिल सकते हैं मे बी, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है अभी, बिल्कुल अभी जाना है और सैम को ढूंढना। भाई यहाँ पे कहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे है रास्ता, यहाँ पे। ओ भाई, ओ बच गए, नहीं तो अभी जाते, चलते हैं ऊपर देखते हैं सैम कहाँ है यार। सैम ब्रो, सैम आ जाए जो जल्दी से हम लोग लिपटा लिया कि वो तरफ बढ़े। ओ फाइनली सैम हम लोग को मिल चुका है दोस्तों, पता नहीं कहाँ घूम रहा था ये जंगल के बीच में। लेट्स सी सैम, आर यू ओके? आई थॉट आई कैन वॉक अवे फ्रॉम। Good to see you're alive, little brother. Come on. We got a treasure to find. Hold up, man. I mean, what are we doing? What do you mean? I mean, our supplies are at the bottom of the Indian Ocean. Oh. Okay, so we go steal some from Nadine's army. Yeah, and there's that. We're going up against an army. We've been holding our own so far. While being marooned in the middle of nowhere. We were trying to get here, remember? We had an escape plan. Just hear me out. Crazy suggestion. Let's go down there and at least secure one of Rafe's boats. The boats can wait.
You want to know what we're doing here? We are buying my life back. Okay, and we're going to do that by stepping into that jungle and finding Libertalia. Have you even seen any signs of a massive pirate colony? Because I sure the hell haven't. It's a little late to start developing doubts, don't you think? But can we at least acknowledge the chance that maybe Avery's idea for a secret pirate utopia didn't pan out? And maybe we're just swept up in this fantasy when instead we should be looking for a real way to save you. I'm gonna scour this island inch by inch if I have to until I find that treasure. Now, if you're confused about what you're doing here, then you can go home, Nathan. I can go home? Emotional dialogue de diya bhai ne. Do you have any idea what I put on the line to get you here? About what I put on the line. Okay? The last 15 years of my life. This has nothing to do with that. It has everything to do with that. इमोशनल डायलॉग दे दिए सैम ने. एक्चुअली नेथन बोल रहा था कि अभी हम लोग इंडियन ओशन में और उनकी पूरी बोट टूट चुकी है, हम लोग का कोई एस्केप प्लान नहीं है, तो वो उसी के चक्कर में वरीड था. और फाइनली लगता है, ओ फाइनली हमें लगता है कि लिबर्टालिया मिल गई है, क्योंकि यही सिंबल था लिबर्टालिया का. फाइनली हम लोग को लिबर्टालिया कॉलोनी मिल चुकी है. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. अभी इन लोगों को बात कर लेते, फिर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं. चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है आगे. और शायद हम लोग लिबर्टालिया के काफ़ी करीब हैं. अभी हम लोग को कॉलोनी दिखी नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ और ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन शायद हम लोग उसके आसपास हैं. लेट्स सी. Come on, this way. अरे भाई से तो सब पता है, कह रहा दिस वे. Sam, up here. I'm coming. Well, no one's home. भाई नेथन ड्रेक ना खूब, मतलब कि गेम में पूरी इसने बकचोदी की है, खूब फनी फनी इसने डायलॉग दिए हैं, तो उसमें सही है, इंटरेस्ट बना रहता है गेम खेलने में. अच्छी कहानी है, अच्छे डायलॉग सीन, सब बढ़िया है इस गेम का, मजा आ गया. अगर आप लोगों ने ये गेम नहीं खेला तो जरूर खेलना, ये मेरी सजेशन है, और आप लोग को मजा आएगा, आई एम डैम श्योर. तो फाइनली अभी हम लोग इसके अंदर हैं और देखते हैं कि हम लोग लिबर्टालिया के कितने पास में हैं. मेरे ख्याल से हम लोग लिबर्टालिया के अंदर ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घर दिख रहे हैं. लेट्स सी. ओके, तो नेथन सैम ब्रदर काफ़ी रास्ते बता रहे हैं फिलहाल, इनको सब पता है, क्योंकि चल चल भाई आगे चल. ओके, to stretch out again. Yeah, you said it. Hey. Okay. There's a way out. हाँ तो ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं. ओके. गोली क्यों चला दी भाई मेरे गुस्से में. Chill down baby, chill down. चलेंगे बाहर, चलेंगे, गुस्सा मत हो नेथन ब्रो. अभी हम लोग बाहर जाना है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, उसने सब बोला कि बूस्ट भी वहाँ से होना पॉसिबल नहीं है. तो सामने आपने अगर ध्यान दिया होगा कि बॉक्स रखा था, उस बॉक्स को हम लोग धक्का देते हैं नीचे जाके, ऊपर जाके सॉरी. तो वो उसके ये है ना बॉक्स बाहर से दिख रहा था. चल चल भाई, चल नीचे, मैं भी कूद ही लेता हूँ भाई. परफेक्ट गिरा वहां पे जाके, लेकिन परफेक्ट गिरा और बिल्कुल सेट हो गया. मिल गई लिबर्टालिया मेरे को, सामने पूरी कॉलोनी है भाई साहब. ओ भाई, मुझे अब खजाने की खुशबू आने लगी है दोस्तों. फाइनली दोस्तों मुझे लिबर्टालिया मिल गई है और बहुत बढ़िया. Samuel Drake. And
तो फाइनली सैमुअल ड्रेक एंड नेथन ड्रेक ने खोई हुई कॉलोनी जिसका नाम है लिबर्टा लिया, जहाँ पे पायरेट रहते थे, और यहाँ पे बहुत चांसेस है दोस्तों कि हम लोग को जो एवरी का खजाना मिल जाए वो हम लोग को आगे जाके पता चलेगा कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिसकी खोज में हम लोग निकले हुए थे लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था, और फाइनली हम लोग को वो कॉलोनी मिल गई है। और जैसा कि इन लोग का गैस था कि यहाँ पे कोई लिबर्टा लेकर के कॉलोनी हो गई, जैसे सैमुअल और ड्रेक्स बता रहे थे, और वो सच हुआ। इन लोग की प्रेडिक्शन, इन लोग की नॉलेज काफ़ी बहुत तगड़ी है क्लू ढूंढने में, खजाने ढूंढने में। और जैसा कि अभी नेथन ने बोला कि इसकी पहली सिटी नहीं है लॉस्ट सिटी, तो आप लोगों को बता दूं जो उसके प्रीवियस पार्ट हैं थर्ड टू और फर्स्ट, उसमें भी नेथन ड्रेक ने काफ़ी खोई हुई सिटीज़ को ढूंढा था, उसकी बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके रिलेटेड मैं एक टॉपिक बना दूं, इसमें तीनों की कंबाइंड स्टोरी डाल दूंगा शॉर्ट स्टोरी, जिससे कि आप लोगों को पीछे का भी आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं जरूर बनाऊंगा। और फाइनली हम लोग को लिबर्टालिया मिल गई है। आज का जो लास्ट वीडियो का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो में एक लाइक देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हम लोग खेलते रहेंगे अनचार्टेड 4 और अलग गेम बिल्कुल इसी तूफानी मूड में। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, एडियोस।